बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का 8th लेक्चर, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, उसकी फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं, इसके साथ साथ कितनी टाइप्स एनीमिया और उसकी क्लासिफिकेशन, एनीमिया की कितनी टाइप्स हैं और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज़ आ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? इट इज़ अ रेड पिगमेंट ऑक्सीजन कैरिंग प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। इट कंटेन फोर पार्ट ऑफ हीम एंड 96% पार्ट ग्लोबुलिन कंटेनिंग। ग्लोबुलिन इज द प्रोटीन दैट इज कंटेनिंग रेड पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड हीम। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं? लेब वैल्यूज़ मेल्स में हीमोग्लोबिन की जो वो है नॉर्मल रेंज है 14 to 16 gram per 100 ml, इन द फीमेल्स 12 to 14 gram per 100 ml and in neonates 23 gram per 100 ml. It shows that the hemoglobin range is high in males and the neonates as compared to the females. Physiological variation. Physiological variation किसे कह रहे हैं कि वो तमाम factors जो कि hemoglobin के synthesis को बढ़ा दें या hemoglobin के synthesis को कम कर दें, तो उनकी वजह से आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मिकदार कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इसे कहते हैं। फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस बहुत अच्छी हो सकती है या वो बहुत मैंडेटरी हैं कि उससे हीम जो है वो सिंथेसाइज भी होता रहे और आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन की प्रॉपर नॉर्मल रेंज है वो भी फ्लो करे। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है प्रोटीन। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसा कि आप जानते हैं हीमोग्लोबिन इज़ कंटेनिंग 96% ऑफ द ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इज़ अ प्रोटीन, तो प्रोटीन की मिकदार कम या ज़्यादा होगी तो उससे जो है आपकी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस भी अफेक्ट होगी। मेटल कौन सी वो है? आयरन। आयरन Fe, आयरन का होना, आयरन मेटल Fe इज़ ऑल्सो अ नेसेसरी फैक्टर फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। नंबर थर्ड इज़ विटामिन B12। विटामिन B12 is the intrinsic factor. Vitamin B12 is the intrinsic factor that is very much necessary for the absorption of hemoglobin in the stomach. Vitamin B12 deficiency अगर होगी तो उससे hemoglobin की production भी affect होगी, इसलिए vitamin B12 is the intrinsic factor. That help in absorption of hemoglobin. Vitamin B12, ये हैं आपके necessary factors for the hemoglobin synthesis. Functions क्या है hemoglobin के? Hemoglobin is containing oxygen carrying pigment है due to the presence of heme. So oxygen transport, इसमें oxygen जो है वो आपके लंग्स से ऑक्सीजन लेके आपके जो बाकी टिश्यूज़ हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी में रोटेट कर रहा है तो बाकी टिश्यूज़ में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसी तरह से वो टिश्यूज़ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है और फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेके आपके टिश्यूज़ तक पहुँचाता है। थर्ड है एसिड बेस बैलेंस, चूँकि इसमें जो है ना आपका ग्लोबुलिन बहुत अहम फैक्टर है, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बफर के तौर पे एक्ट करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लोबुलिन आपका जो रेड ब्लड जो आपका हीमोग्लोबिन है वो बहुत बेस्ट बफर के तौर पे एक्ट करता है। जब वो एक अच्छा बफर है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी जो एसिड या बेस है
वो दोनों टोनिसिटी जो है ना बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा, वो जो ब्लड की पीएच है उसे चेंज नहीं होने देगा, ना ही वो एसिडिक पीएच की तरफ जाने देगा ना ही बेसिक पीएच की तरफ, तो एसिड पीएच इसे मेंटेन करता है। पिगमेंट्स हैं आपकी बॉडी में, डिफरेंट पिगमेंट्स हैं ऑफ बाइल स्टूल यूरिन एक्सेट्रा आर फॉर्म फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, और आपके जैसे ब्लू रिबन है, बाइल से कुछ पिगमेंट्स रिलीज होते हैं, तो वो ब्लड के ज़रिए कहाँ पर वो पहुँचते हैं, किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं बाइल पिगमेंट्स। अब आ जाए डेफिनेट एनीमिया, एनीमिया एंड इट्स क्लासिफिकेशन। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया मे बी डिफाइंड एज डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन परसेंटेज इन द ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ द हीमोग्लोबिन बिलो द स्टैंडर्ड रेंज इन इंडिविजुअल इज नोन एज द एनीमिया। अब एनीमिया की डिफरेंट टाइप्स हैं, थ्री बेसिक टाइप्स में हम ब्लड लॉस एनीमिया, इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड इम्पेयर रेड सेल्स प्रोडक्शन, तीन मेजर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले अगर हम ब्लड लॉस एनीमिया की बात करें, ब्लड लॉस एनीमिया जैसे कि सिंपल टर्म से जाहिर है कि इसमें ब्लड जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, वो किन दो सूरतों में? नंबर टू, एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक, एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, एंड नंबर टू क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया। जो हेमरेजिक का मतलब क्या है कि ब्लड का ज़ाया हो जाना, हेमरेजिक कंडीशन ना, ब्लड लॉस है। अक्यूट का मतलब होता है कि बहुत क्विक जो है ना, एक्सीडेंटल इमिजिएटली जो है ना वो एक हादसा हुआ है और उसमें ब्लड का लॉस है, जैसे ट्रॉमा है एंड सर्जरी ऑन द स्पॉट हो रहा है। क्रॉनिक का मतलब ये होता है कि वो बीमारी आपकी बहुत अरसे से चल रही है, वो बीमारी काफ़ी अरसे से चल रही है, तो उसमें आपका पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि आपके स्टमक से एसिडिटी की वजह से आपका स्टमक जो है ना वो कुछ उसमें अल्सर डेवलप हो जाते हैं, लीजन्स डेवलप हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, उसमें जो है ना आपका इंटरनली ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो उसे हम उसमें भी जो है ना हम कह सकते हैं कि एनीमिया हो जाएगा उस कंडीशन में भी। पैरासिटिक, अगर आपका पैरासाइट्स जो होते हैं हुक वॉर्म्स, कीड़े जिसे कहते हैं, अगर आपकी इंटेस्टाइन में मौजूद हैं तो उसमें जो है ना वो क्या करते हैं, आपके ब्लड को सक कर लेते हैं। उनकी खुराक क्या होती है? आपका ब्लड होता है, इंडिविजुअल का ब्लड होता है, तो वो उस ब्लड को सक करके खुद उससे वो अफजाइश पा रहे होते हैं। तो इस सूरत में भी आपका जो जो प्रोडक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल हैं, हीमोग्लोबिन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी किसे कहते हैं? कैंसरस कंडीशन, मैलिग्नेंसी इन केस ऑफ कैंसर, तो उसमें भी आपकी जो है ना वो एबनॉर्मल प्रोडक्शन आरबीसीज का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसा कि आपने प्लेटलेट्स काउंट्स जो है ना, सम टाइम प्लेटलेट्स काउंट्स आपके डिरेंज हो जाते हैं, या उसकी वजह से जो है ना आपका, या फिर वैसे ही जो है ना कोई सर्जरी के बाद या हल्का हल्का जो है ना गम्स आप ब्रश करते हैं उससे जो है ना ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये जो माइनर या टाइम के साथ साथ बहुत क्रॉनिक टाइम से ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें आपका ब्लड लॉस होता है, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया। इस सूरत में भी आपका एनीमिया, हीमोग्लोबिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन आरबीसीज, आपके जो आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मली बन रहे होते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, बोन मैरो में जो स्टेम सेल मौजूद होते हैं, स्टेम सेल जो है ना वो मैच्योर होते हैं, मैच्योर होके वो आपके ब्लड वेसल्स में शामिल हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब आपके आरबीसीज जो है ना वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हों, हीमोलाइसिस हो रही हो उनकी, आपके रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे हों, डिस्ट्रॉय हो रहे हों, तो उस वक्त आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। वो डिस्ट्रॉय किस तरह से होंगे कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो
बिफोर टाइम मिच्योर हो जाते हैं, बिफोर टाइम, तो 10 to 20 days के वो होते हैं और वो इतने फ्रेजाइल हो जाते हैं कि वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं 10 to 20 days। अभी 10 to 20 days तक सिर्फ अलाइव रहते हैं और उसके बाद इनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। उसमें कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर हैं और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? विटामिन B12 की, कि वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आपका कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कोई ट्रॉमा कार्सिनोमा हो गया है, वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो सकते हैं। तो ये जब 10 to 20 days में ब्रेक हो जाते हैं तो फिर कोई RBCs जो है ना वो हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा होता। नॉर्मल लाइफ स्पेन क्या है आपके RBCs की? 120 days है। जब 120 days में के बाद उन्हें डिस्ट्रॉय होना है, लेकिन वो अर्ली फेज में 10 to 20 days के बाद डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हमें, जब वो अर्ली डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो मज़ीद हीमोग्लोबिन जो है ना वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले से डिस्ट्रॉय हो गए। तो नॉर्मल लाइफ वो पीरियड है, लाइफ स्पेन है, वो डिस्टर्ब हो गया, तो 120 days के बाद नए सेल बनते हैं, हर 3 महीने बाद नए सेल बनने हैं, वो पहले इमेच्योर हो गए, तो उसकी वजह से भी जो है ना क्या हो जाएगा? हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें RBCs बिफोर टाइम रप्चर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 10 to 20 days में। तो टाइम, टोटल टाइम है 3 months में वो मिच्योर होके RBCs पैदा करते हैं और वो उनकी ज़िंदगी होती है, लेकिन उससे पहले मिच्योर तो नेक्स्ट लाइफ स्पेन तक पहुँचने के लिए तो बहुत सारा टाइम बाकी है। तो इस तरह से भी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, इम्पेयर्ड रेड, अब ये था कि थर्ड है आपका डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलीफ्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन स्टेम सेल। स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में होते हैं, जब आपकी बोन मैरो, एप्लास्टिक एनीमिया उस एनीमिया को कहते हैं जब आपकी बोन मैरो में स्टेम सेल जो है ना वो प्रॉपरली प्रोलीफ्रेट या मिच्योर नहीं होते, वो उसकी वजह से जो है ना आपका बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करती, तो उसे हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें जो है ना आपका हीमोग्लोबिन, आपके वाइट ब्लड सेल्स और आपका प्लेटलेट्स तीनों ही डिस्टर्ब हो सकते हैं जब आपकी बोन मैरो में प्रोडक्शन नहीं और उसके सेल्स जो है ना मिच्योर नहीं है, प्रोलीफ्रेट नहीं है। प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेसिया, इसमें भी, इसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। एनीमिया ड्यू टू द रीनल फेलियर, अगर रीनल फेलियर है, कोई पेशेंट है उसके रीनल जो है ना वो फेलियर है, तो आपका वहाँ पे भी कुछ जो है ना वो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक फैक्टर होता है उसके एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस होता है कि ऑक्सीजन कम होती है तो स्टिमुलस जाता है, एरिथ्रोपोइटिन आपका जो किडनी में मौजूद है हार्मोन वो एक्टिवेट होता है और फिर जो है ना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को कम करता है, तो वो उसकी वजह से भी जो है ना आपको क्या हो जाएगा? रीनल फेलियर। एरिथ्रोपोइटिन जो है ना आपका वो एक्टिवेट नहीं होगा, एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया ड्यू टू द एंडोक्राइन डिसऑर्डर, आपका स्टिमुलस फीडबैक होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, बहुत सारे जो है ना आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन की रेगुलेशन और दूसरे जो एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं उनकी रेगुलेशन में अहम रोल अदा करते हैं, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रोलीफरेशन मैच्योरेशन ऑफ RBCs, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें जो RBCs हैं वो थोड़े नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, लेकिन वो स्फेरिकल और ज़रा ज़्यादा बड़े साइज़ के हो जाते हैं, तो बड़े साइज़ के होने की वजह से भी उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये कहते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से वो जब गुजरते हैं वेसल से तो वहाँ पर उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस। अब ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है आपका जो हीम है, हीम पार्टिकल है, उसके सिंथेसिस में मसला है। हीम सिंथेसिस में अगर हीम सही से सिंथेसाइज नहीं हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नॉर्मल एनीमिया होता है, इसमें आप ओरली आयरन लेते हैं और उसकी डेफिशिएंसी को कवर कर लेते हैं। लेकिन दूसरा है डेफिशिएंट ग्लोबुलिन सिंथेसिस, आपका जो ग्लोबुलिन है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के
चार मॉलिक्यूल कैरी करता है। आपके जो ग्लोबुलन है 96% वो ऑक्सीजन के फोर मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, लेकिन अगर आपकी ग्लोबुलन सिंथेसाइज प्रॉपर नहीं होगी, क्या वो इस काबिल होगा कि वो प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी कर सके? जब वो प्रॉपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी नहीं करेगा तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी और हीम सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। हीम पार्टिकल जो है ना वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेंगे, ऑक्सीजन कैरी नहीं करेंगे तो आपके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो होता है वो थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया और एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन में सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मली जो आपके ब्लड सेल्स हैं उसकी शेप क्या है? ब्लड सेल्स आर दी बाइकॉनकेव, किस शेप के होते हैं? बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड, बाइकॉनकेव होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में इनकी शेप जो है ना वो ये हो जाती है, सी। सिकल सेल एनीमिया इसीलिए कहते हैं कि इनकी शेप ये सी टाइप, सी शेप के बन जाते हैं। तो जब से सी शेप के बन जाते हैं और इन्हें ब्लड वेसल से गुजरना होता है, ये एक ब्लड वेसल्स है आपकी, ठीक है, इसमें से आपके नॉर्मल जो ये वाले हीमोग्लोबिन है ये तो गुजर सकते हैं इस पे, लेकिन जब ये सिकल टाइप के हो जाते हैं तो ये इनका गुजरना ये नहीं गुजर पाते, ये यूं अटैच हो जाते हैं। ये इस शेप के होते हैं तो ये नहीं गुजर पाते, सिकल शेप के हो जाते हैं, ये इनकी नोकदार साइड्स होती हैं और ये शेप के होते हैं। जब ये ब्लड वेसल से गुजरते हैं तो ये इस तरह से स्टक हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में। फिर जो बाकी भी सेल्स हैं वो भी आके मज़ीद स्टक हो जाते हैं, इस तरह से ये क्या कर देते हैं? ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ ऑर्गन फेलियर। अगर वो ये जो जा रहे हैं सिकल सेल्स वो जाके किडनी की वेसल्स में ब्लॉक कर दें तो इट विल डिस्टर्ब द किडनी ऑर्गन फंक्शन, मेन ऑर्गन फंक्शन। अगर वो हार्ट की वेसल्स में ब्लॉक होते हैं तो वो हार्ट वो फेलियर भी कर सकते हैं कि वो हार्ट की जो वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे। तो इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसीज जो नॉर्मली बाइकॉनकेव होते हैं दे चेंज इन द सी शेप, और सी शेप में होने की वजह से जब वो ब्लड वेसल से गुजरते हैं तो वो एबनॉर्मली नहीं गुजर सकते, ये यहाँ पे जमा हो जाते हैं, दे बिकम द क्लस्टर्स और यहाँ पे एक जगह एग्रीगेट बना लेते हैं। एग्रीगेट करने की वजह से यहाँ पे ब्लड की सप्लाई भी वो डिस्टर्ब कर देते हैं। ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब करने की वजह से जो है ना ऑर्गन डैमेज भी कर सकते हैं और उस साइड पे इन्फ्लामेशन, रेडनेस, इरिटेशन और पेन और स्टिफनेस होती है उस साइड पे। तो इसकी वजह से जो है ना आपके बाकी ऑर्गन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे आपकी तमाम जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हुई हैं।